सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दो विदेशी युवकों का एक महिला से 9 लाख से अधिक रुपयों की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र का है, जहां सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत एक तलाकशुदा महिला ने जीवनसाथी.com वेबसाइट पर शादी की इच्छा जताते हुए अपना पूरा बायोडाटा डाला था और कृष्ण कुमार के नाम से फर्जी NRI की ID की फ्रेंडशिप कर शादी का पूरा भरोसा दिलाते हुए अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने दो बच्चों के साथ इंडिया आने की बात कही। इतना ही नहीं, अपना फर्जी टिकट भी व्हाट्सएप पर भेजा। बाद में अध्यापिका को उसके लिए लाखों के जेवर लाने की बात कहते हुए मुंबई के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा पकड़े जाने की बात कही और इन विदेशियों के साथ उनकी महिला साथी से भी बात कराई और धोखाधड़ी से 9 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट में जमा करा लिए। लेकिन बाद में जब इस NRI का कुछ पता नहीं चला तो अध्यापिका ने थाना मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की। थाना मंडी पुलिस के साथ साइबर क्राइम की टीम ने दो विदेशी नाइजीरियन युवकों के साथ उनकी महिला साथी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 3-4 दिन पहले जो है इसके धीरे धीरे तार खुलने शुरू हुए और फिर इसमें कल इस पूरे गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो नाइजीरियन नेशनल्स हैं जो कि नोएडा में रहते थे और इनके साथ एक भारतीय, एक महिला जिसका नाम श्रीजा है। ये तीनों लोग मिलकर के इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। इनसे वार्ता करके और इनके साथ जो डिटेल्स हैं इनके लैपटॉप्स में और इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारियाँ हैं, उनके आधार पर इनके तार जो है काफ़ी लंबे जुड़े होने और इनके द्वारा पूर्व में भी धोखाधड़ी किए जाने की काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन चूंकि इनको 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बाध्यता है, इसलिए अभी तक जो जानकारी मिली है उस पर इस आधार पर ये खुलासा हुआ है। जैसा कि आपने देखा, इनके पास से एक लैपटॉप जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, 7 से 8 इनके पास में काफ़ी अत्याधुनिक फ़ोन्स हैं, कुछ सिम कार्ड्स हैं, कुछ फर्जी उस पर आधार पर लिए गए कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें इनके सब पास से बरामद हुई है और इस प्रकार से गैंग का खुलासा किया।